हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अचीव आईएएस। तो आज है 28 दिसंबर 2020, ठीक है। और तो हम रेडी हैं द हिंदू की एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो आप तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं अचीव आईएएस और मैं हूँ आपका दोस्त आकाश विजय, ठीक है। तो चलिए आज के आज कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। वैसे संडे है तो संडे वाले दिन आपको पता है कि इतने इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पूरे न्यूज़पेपर में देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एक आपके इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ना, वो आपके मोस्टली आपको बैक अखबार के पीछे ही मिलते हैं, जैसे आपके प्रोफाइल्स और जो एफएक्यूज आपके आते हैं वो, ठीक है। तो चलिए कुछ एक आर्टिकल्स जो आज के इम्पोर्टेंट है हम देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका फ्रंट पेज पर आपका सबसे पहला आर्टिकल है, एनी एक्सप्लोइटेशन ऑफ सेंटिनल आइलैंड विल वाइप आउट ट्राइबल्स। सेंटिनल आइलैंड का नाम सबने सुना होगा, ठीक है। सेंटिनल आइलैंड आपको पता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आपको पता है, ठीक है, ऊपर नीचे आते हैं ये। तो उसमें जो आपका अंडमान आइलैंड है ना, उसमें आपका एक नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, ठीक है। तो उसके बारे में बात हो रही है कि अगर हम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में अगर हम लोग जो है कुछ ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लोरेशन करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों ने एक ट्राइब का नाम सुना होगा, वहाँ पे काफ़ी फेमस ट्राइब है, ठीक है, सेंटिनलीज करके एक ट्राइब है वहाँ पे, ठीक है। सेंटिनलीज सुना होगा आपने। अभी 2 साल पहले ना ये काफी ज्यादा न्यूज में था। क्यों था? क्योंकि एक आपके अमेरिकन थे, ठीक है, अमेरिकन नेशनल थे एक, जो वहां पर गए थे एक्सप्लोरेशन के लिए। लेकिन वहां पर जाकर हुआ क्या, वो जैसे ही उस आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे, तो उधर से जो है जो सेंटिनलीज आपके ट्राइबल पीपल है, उन लोगों ने उनको तीर कमान से उनकी मृत्यु कर दी, ठीक है। तो इस बारे में काफी ज्यादा ये न्यूज में था। तो अभी यही ये बताया, इस आर्टिकल में यही बताया गया कि एक पेपर पब्लिश किया गया है, तो उसमें यही बताया गया है कि अगर जो है हम ज्यादा एक्सप्लोटेशन इसका करेंगे, इस अंडमान का जो ये रीजन है, ये वाला नॉर्थ आपका सेंटिनल आइलैंड जो ये है, अगर इसमें हम काफी ज्यादा कमर्शियल गेंस या फिर स्ट्रेटेजिक गेंस के लिए ज्यादा इसमें एक्सप्लोरेशन करेंगे, ठीक है, आप कमर्शियल गेंस एंड स्ट्रेटेजिक गेंस के लिए अगर इसमें ज्यादा एक्सप्लोरेशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है सेंटिनलीज जो आपके ट्राइबल है, ये जो आपका ट्राइब है, ये इनके राइट्स का हनन जरूर हमें देखने को मिला है। क्योंकि आपको पता है कि ट्राइबल है, इंडिजीनियस लोग हैं ये, तो इनका तो सब कुछ, मतलब रहना सहना, इनका ऑक्यूपेशन, इनका इनका इनकी जीविका, सब कुछ जो है उसी जगह से जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर हम वहां पर जाकर करेंगे ऐसे काम, तो उनके लिए तो उनकी एक लाइफ थ्रेटनिंग चीज ही हो जाएगी ना। तो इसी वजह से इसमें यह बताया गया। और ये आपका किसने बोला है, आपका एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सर्वे है आपका, ठीक है, एक्सट्रीमली इंस्टीट्यूशन है आपका, जैसे आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ना ASI, तो वैसे ही आपका एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में ASI को तो ASI लिख देते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हम ASI लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इनका फर्स्ट वर्ड देखें तो सेम ही है, लेकिन इस बात को इसको ASI से अलग करने के लिए इसको हम लिखते हैं a small n देन कैपिटल SNI, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। ये आपकी जो लाइन है ना, ये आप अगर मेंस में आपके ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो इसको मेंस में आप लिखेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बस आर्टिकल्स में यही ढूंढना होता है कि कौन सी लाइंस जो है वो आपके काम की है, ठीक है। अब कुछ कुछ आर्टिकल्स ऐसे होंगे कि आपके आपके शायद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं उसको कहें, लेकिन कुछ उसके पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ उसकी लाइंस ऐसी होती है जिसको आप अपने मेंस में आंसर एनरिचमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज राइट्स आर unassailable, non-negotiable and unfringible, ठीक है। The prime duty of the state is to protect these rights as eternal and sacrosanct, ठीक है। तो मतलब ये राइट जो है, ठीक है, ये नॉन नेगोशिएबल है। ये नहीं है कि आप नेगोशिएट करके इनके साथ जो है कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक गेंस के लिए आप लोग जो है अपनी एक्टिविटीज को फॉरवर्ड करें, ठीक है। और इसमें जो है इस प्रोसेस में जो है आपके इनके इन पीपल के राइट जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाए, ठीक है। तो ये कॉम्प्रोमाइज हमें बिल्कुल भी देखना चाहिए। ये आपकी गवर्नमेंट की, स्टेट की आपकी ये ड्यूटी है कि ये जो राइट्स हैं इनको एटर्नल रखा जाए, इनको सैक्रोसैंक्ट रखा जाए, ठीक है। ये मैंने आपको बताया ना कि इनके लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा, तो दिस विल बी अ डेथ नल, ठीक है, डेथ नल हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। आपको सेंटिनलीज के बारे में, सेंटिनलीज आपको पता है ट्राइब है, PBTG में आपका ये आता है, ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो आपके होते हैं, PBTG जो मतलब काफी ज्यादा बैकवर्ड होते हैं, तो गवर्नमेंट ने इनको एक आइडेंटिफिकेशन दे रखी है कि इनके डेवलपमेंट के लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो आपके 70 PBTG आपके आसपास, 70 PBTG से आपके मोस्टली हैं, ठीक है, उनमें आपके एक सेंटिनलीज भी आते हैं, ठीक है, सेंटिनलीज भी आपके आते हैं।
ना, जो आपकी ये वाला ट्राइब है ना, इसको एक्सेस करना बहुत मुश्किल है, इनके पास जाना, इनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटीज में जाना बहुत मुश्किल है आजकल। आज तक मतलब बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इनके साथ, इनके आस पास बिल्कुल जा चुके हैं, इनसे जो है अपना फेस टू फेस इंटरेक्शन करके आ चुके हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं, ठीक है। क्योंकि ये वरना जाने देते हैं आप, काफी ज्यादा ये लोग एप्रिहेंसिव होते हैं इस बात को लेके, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम रहती है हमेशा। यही जो कोशिश है ये आपकी, जोन एलन चाउ ने करी थी, जो आपके अमेरिकन नेशनल, जिनकी बात हमने करी, ठीक है, उन्होंने उन्होंने भी यही कोशिश करी थी, ठीक है। लेकिन उनको अपने पास उन्होंने आने नहीं दिया, और उनको जो है उनकी उनकी हत्या जो है कर दी गई, ठीक है। तो आपके नंबर में अगर देखें तो 50 to 100 लोग हैं आपके पास, देखिए तो कितनी कम पॉपुलेशन की रह रही है, कितनी कम, ठीक है। और अगर हम इन पॉपुलेशन में इतनी कम पहले से ही है, अगर हम फिर से अपनी एक्टिविटीज जो है करने लग जाएंगे तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो नहीं कर सकते ना। और फिर उसके बाद आपके सिर्फ यही नहीं, आपके ट्राइबल, आपके बाकी जो लोग हैं वो आपके ग्रेट एंडमीज, ठीक है, देन देन आपका होंगे जरावा एंड शॉम्पिंग, ठीक है। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं यहाँ के, इनको आप जरूर याद रखें, ठीक है। ऐसा आपका आ सकता है कि ये होंगे जो है, ये क्या है, प्रीलिम्स में ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं ना कि ये रिसेंटली इसका नाम जो है न्यूज में था, ये क्या है, जलावा क्या है, शॉम्पिंग्स क्या है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट आपका पब्लिश किया गया ना, इसमें आपकी जोन एलन चाउ की जो डायरी थी ना, 13 पेज की एक डायरी थी, वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि वो जो है शायद हम लास्ट एक ऐसी एक्सप्लोरेशन मान सकते हैं जो उस तरफ की गई है, ठीक है। जोन एलन चाउ की 2018 में हम लोग ऐसी, हम लोग कह सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली कि जो लास्ट एक्सप्लोरेशन है जो वहां पर की गई है, ठीक है, उसके बाद कोई गए नहीं। अब मैं आपको दिखाऊं मैप में, तो आपका ये अंडमान है, निकोबार आइलैंड है आपका पूरा, ठीक है। ये आपका अंडमान, ये आपका अंडमान है, ये देन आपका निकोबार है, ठीक है। तो अंडमान को अगर हम जूम जूम इन करेंगे ना, तो फिर आपका ये कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है, हो गया। अब इसमें हम अगर अब देखें, ये आपका ये रहा, ठीक है। तो ये है आपका नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, ठीक है। इस बारे में जो है हमारी बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। आपको पता है बहुत सारा मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड है आपका अंडमान निकोबार, ठीक है। तो ये आपका है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, ठीक है, मैप में हमने आपको दिखा दिया। और ये आपके वही सेंटिनलीज लोग, ठीक है, ये दूर से पिक्चर ली गई है कि पास जाके तुम ले नहीं सकते, देख लीजिए कि भी ये लोग कितने हथियारों के साथ खड़े हैं, अभी प्रोटेक्शन के लिए तो नहीं जा सकते ना हम लोग, वैसे भी यार ये लोग तो अपने डिफेंस में कर रहे हैं, सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि इन लोगों को हम पे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। तो हम इनको पनिश भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये देख लीजिए आपके, ये आपके जोन एलन चाउ है, ये जिनकी हत्या कर दी गई थी, ये वही है, ठीक है, इनको तीर से मारा गया था, ठीक है। और आपका सेकेंड आर्टिकल जो अब है वो आपका है स्टैंड अप अमिड पैंडेमिक एक्सपोज चाइना, ये आपका राजनाथ सिंह जी जो है अभी कुछ अभी आपके गए थे हैदराबाद की तरफ, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ पे जो है उन्होंने बताया कि पैंडेमिक में जो उन्होंने मतलब बेसिकली चाइना को और पाकिस्तान को जो है क्रिटिसाइज किया, और जो है अपने इंडियन एयरफोर्स, जो हमारी इंडियन आर्मी है, उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा उनकी तारीफ की, जो कि वो डिजर्व भी करती है। हमारे देश की जो आर्मी है, चाहे वो एयरफोर्स, हमारे देश की जो मिलिट्री है, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे आपकी इंडियन नेवी है, ठीक है, चाहे फिर आर्मी है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट डिजर्व करती है रियल टर्म्स में, बिल्कुल जेन्युइनली डिजर्व करती है, ठीक है। उनके बिना हम अपनी लाइफ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, सच्ची में बिल्कुल भी नहीं कर सकते, चाहे कोई भी कोई किसी भी तरह की इमरजेंसी हो, आर्मी को हम बाहर नहीं रख सकते, ठीक है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा इतना अच्छा रोल जो है आर्मी प्ले करती है, चाहे किसी भी प्रकार की इमरजेंसी आ जाए, किसी भी प्रकार की डिजीज आ जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन का कोई खतरा आ जाए, अटैक का भी खतरा आ जाए, हम उसमें आर्मी को रख ही नहीं सकते बाहर, ठीक है। आर्मी तो मतलब इतना अच्छा रोल प्ले करती है, भाई कुछ भी कह लो, ठीक है। तो राजनाथ सिंह ने बेसिकली यहाँ पे बताया कि पैंडेमिक के वक्त मिलिट्री स्टैंड ऑफ जो है ये चाइना के इंटेंशन को शो करता है कि चाइना के कितने बुरे, कितने पुअर इंटेंशन जो है चाइना के हैं, ठीक है। वी डोंट वॉन्ट कॉन्फ्लिक्ट बट पीस, ठीक है। आपको पता है भारत एक शांति प्रिय देश है, शांति से वो रहना चाहता है, ठीक है। तो लड़ाई झगड़ा हम नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं, सिर्फ पीस, शांति चाहिए हमें, पूरे देश में भी चाहिए, पूरी दुनिया में भी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो किसी से भी कम है, ठीक है। इतना मादा हम रखते हैं कि हम जो है एक बिफिटिंग रिप्लाई अपने एडवर्सरी को दे सके, ठीक है। दिस इज नॉट अ वीक इंडिया, है ही नहीं भाई, कभी भी नहीं था, अभी भी नहीं है, ठीक है, और कभी होगा भी नहीं, ठीक है। तो मतलब ये हर तरह के अपने थ्रेट को जो है आसानी से इंडिया जो है टैकल कर सकता है, ठीक है। फिर उन्होंने जो है पाकिस्तान को यहाँ पे जो है क्रिटिसाइज कर रखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा एक वेस्टर्न बॉर्डर पे हमारा एक है पड़ोसी जो हमसे 4 वॉर हार चुका है अभी तक, ठीक है, फिर भी जो है वो प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्व है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व, ठीक है। मतलब ऐसे छोटे छोटे काम, ऐसे मतलब
ये सारी जो एक्टिविटीज है बहुत ज्यादा ही कंडेमनेबल है, ठीक है, इनको हम कंडेम कर सकते हैं, करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए, ठीक है। द इंडियन फोर्स हैज अ ग्लोरियस हिस्ट्री। अब इंडियन एयरफोर्स के कोई इवेंट था, वहाँ के राजनाथ सिंह गए हुए थे, तो उन्होंने इस बारे में इंडियन एयरफोर्स के बारे में कुछ बातें बताई, जैसे कि अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो हमेशा से ही जो है वो हर मौके पर वो जो है हमारी पूरी एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरी है, हमारी उम्मीदों पर जो है इंडियन एयरफोर्स हमेशा खरी उतरी है, चाहे वो एनेक्सेशन ऑफ गोवा हो। गोवा आपका पता है 1961 में जो है एक ऑपरेशन के तहत गोवा को जो है लिबरेट एक एनेक्स किया गया था, लिबरेट किया गया था 1961 में, ऑपरेशन विजय, आपने नाम सुना होगा ऑपरेशन विजय, ठीक है, ऑपरेशन विजय। इसको आप प्लीज LOC कारगिल वाला जो युद्ध था उससे आप इसको कंफ्यूज मत करना, ये वाला ऑपरेशन विजय उस वाले ऑपरेशन विजय से अलग है, ठीक है, ऑपरेशन विजय नाम था। एंड देन बैटल ऑफ लोंगेवाला इन 1971, जो आपका बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हमारे 1971 में हुआ था ना, जब ने बांग्लादेश को लिबरेट करवाया था पाकिस्तान से, ठीक है, तो उस टाइम पे ये थोड़ा मतलब इनिशियल एंगेजमेंट था उस टाइम पे, बैटल ऑफ लोंगेवाल, जो हमारा वेस्टर्न एरियाज में इनिशियल एंगेजमेंट जो पाकिस्तान के साथ हुआ था उसको बोलते हैं बैटल ऑफ लोंगेवाल इन 1971, ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखें। और चाहे वो आपकी बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक पता है आपको लास्ट ईयर की गई थी, जब हमारा पुलवामा में जो एक काफी ज्यादा बुरा काम जो है किया गया था, जहाँ पे टेररिस्ट अटैक किया गया था, जिसमें हमारे 40 CRPF के सोल्जर्स जो थे वो वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो अब आपका एक आता है NRI से रिलेटेड, पोस्टल बैलेट से रिलेटेड, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, अगर आपको उसके इस टॉपिक के बारे में एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन चाहिए, एक डिटेल आपको एनालिसिस चाहिए, तो आप प्लीज जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और इस आर्टिकल में क्या मैं आपको आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा, जरूर इसको एनालाइज मैं करूंगा, ठीक है। तो आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे देश में जो है ECI, ठीक है, आपको पता है एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट एक बॉडी है ये, ठीक है, काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट है, काफी ज्यादा अच्छा काम करती है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सच्ची में मैं अगर जनरली देखूँ ना तो बहुत अच्छा काम करती है, बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या है कि लॉ मिनिस्टर को उन्होंने एक प्रपोजल भेजा, जिसमें उन्होंने बताया कि वो लोग जो है अब फुली रेडी है NRIs को पोस्टल वोटिंग के राइट देने के लिए, ठीक है, जो मतलब जो आपका पोस्टल वोटिंग का जो राइट है उसको अब वो है NRI तक उसको एक्सटेंड करवाना जो है ECI चाहती है, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस, मतलब दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है इंडिया, ठीक है, उसके इलेक्शंस में जो है ज्यादा से ज्यादा उसके लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, ठीक है। आपको पता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो सबसे जो डेफिनेट एक कंक्लूजन निकल के आता है ना, वो ये आता है कि अगर लोग पार्टिसिपेट ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक सबसे ज्यादा पॉपुलर जो गवर्नमेंट होगी ना, जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग गवर्नमेंट होगी, वही निकल के आएगी, ठीक है, क्योंकि तो फिर पॉपुलर गवर्नमेंट निकल के अपने आप आ जाएगी, कोई हंग असेंबली वहां पे नहीं देखने को मिलेगी हमें कि भाई उसको मिल गए, इस पार्टी को थोड़े उसको मिल गए, मतलब 99.9% ये चांसेस है कि जो है एक हमें मेजोरिटी गवर्नमेंट मिलेगी जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होगी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा कि हम NRI को जो है ये पोस्टल वोटिंग का राइट देना चाहते हैं, ठीक है, और इसके लिए उनको क्या करना है, उनको कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 इसमें जो है एक अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जिसके बाद ये राइट जो है NRI के लिए अवेलेबल कर दिए जाएंगे, ठीक है। और जो आपके पोस्टल बैलेट होंगे वो आपके इलेक्ट्रॉनिकली भेजे जाएंगे NRI के पास, इलेक्ट्रॉनिकली जो आपके आपके जो इंडियन मिशन जो आपके उन देशों में लोकेटेड है ना, तो वहां पर आपका एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा, वो उनको डाउनलोड करेगा उन बैलेट्स को, बैलेट को वो डाउनलोड करेगा, और डाउनलोड करने के बाद वो रजिस्टर्ड NRI को हैंड ओवर करेगा, देन वो जो आपके NRI होंगे वो उस पर अपनी प्रेफरेंस को मार्क करने के बाद एक सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म उसके साथ होगा, उसको साइन करने के बाद वो जो है उस डेजिग्नेटेड ऑफिसर को दे देंगे, जिसके बाद वो ऑफिसर उनको रिटर्निंग ऑफिसर तक भेज देगा, ठीक है। ये आपका सिंपल सा प्रोसेस है, इसको मैं आगे जरूर आपको डिटेल में बताऊंगा। द पार्शल इलेक्ट्रॉनिक बैलेट फैसिलिटीज नाउ अवेलेबल फॉर अवेलेबल फॉर सर्विस वोटर्स ओनली। आपको पता है कि अभी जो है ना हमारे देश में वाली जो फैसिलिटी है ये वोट ये पोस्टल वोटिंग की, ये सिर्फ सर्विस वोटर्स के लिए ही है। सर्विस वोटर आपको पता होंगे जो हमारे आर्म फोर्सेस के जो मेंबर है, या फिर स्टेट पुलिस जो है, मान लीजिए आर्म फोर्सेस आपको पता है कि मोस्टली वो तो ड्यूटी पर रहती है, ठीक है, तो उनके पास इतना टाइम होता नहीं कि वो जो जाके अपनी मतलब राइट टू वोट को एक्सरसाइज कर सके। और आपकी मान लीजिए स्टेट पुलिस है, मान लीजिए महाराष्ट्र की स्टेट पुलिस है, और वो गुजरात में अभी किसी काम से पोस्टेड है कुछ लोग वहाँ के कुछ मेंबर्स कुछ पर्सनल, तो वो लोग भी नहीं कर सकते जाके पोस्टिंग वोटिंग,
क्योंकि उनको तो अपनी ड्यूटी, वो तो अपने कार्यबद्ध है, ड्यूटी बद्ध है वो लोग, तो उनको ड्यूटी करनी पड़ेगी, ड्यूटी बाउंड है वो लोग, ठीक है। तो उन लोगों के पास ये राइट था जिसके जिसके तहत वो लोग जो है अपना राइट टू वॉट एक्सरसाइज कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि इसको एनआरआई तक जो है वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ओवरसीज वोटर्स वोट कैसे करते हैं, अभी कैसे करते हैं, ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। तो अभी क्या है कि पहले क्या था कि ये है कि मान लीजिए अगर कोई आपका इंडियन सिटीजन है जो बाहर किसी देश में 6 महीने से ज्यादा रह रहा है, 6 मंथ, ठीक है। 2010 से पहले की बात बता रहा हूँ आपको, 2010 से पहले ये होता था कि अगर कोई सिटीजन है और वो इंडिया के बाहर लगातार 6 महीने तक रह रहा है, 6 महीने से ज्यादा तक रह रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या था कि उस वोटर का नाम, उस इंसान का नाम, उस सिटीजन का नाम जो है वो एक इलेक्टोरल रोल से रिमूव कर दिया जाता था, जिसके बाद उसके पास वोटिंग के राइट नहीं होते थे। ये आपके 2010 से पहले की बात है, ठीक है, ऐसा ही आपकी एक लगाई गई थी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 2010 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसमें अमेंडमेंट किया गया 2010 में, ठीक है, इसमें अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट करने के बाद क्या हुआ कि फिर ये जो आपकी लिमिट थी ना 6 मंथ वाली, कि 6 मंथ से ज्यादा अगर कोई रह रहा है तो उसको फिर वोटिंग राइट्स नहीं है, उसका नाम जो इलेक्टोरल रोल में से रिमूव कर दिया जाता है, तो वो हटा दी गई, ठीक है। अब 6 मंथ के बाद भी जो लोग हैं वो आकर अपना आसानी से वोटिंग कर सकते थे, ठीक है। अब कोई भी मान लीजिए नॉर्मल सिटीजन में, मान लो मैं तो जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं अगर 18 18 प्लस हूँ तो मैं जाकर जैसे वोट करता हूँ, तो वैसे ही जो है वो लोग भी आसानी से जाकर अपने यहाँ पर आकर वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई इश्यू उनको नहीं होता, ठीक है। और जो उनका जो डेजिग्नेटेड पोलिंग बूथ जिनको मोस्टली अलॉट किया जाता है, वो आपको अलॉट किया जाता है उनके पासपोर्ट पे जो एड्रेस होता है ना उसके बेसिस पे, जैसे पासपोर्ट पे उनका एड्रेस रहता है उसी के बेसिस पे और उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको मोस्टली एक पोलिंग बूथ जो है दिया जाता है कि वहां पर जाके जो है आप वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक कैसे करता था ये, ठीक है, कैसा काम किया है इसने, तो आपको पता है कि ज्यादा लोग एनआरआई 16 मिलियन पीपल है, 16 मिलियन जो है इंडियन डायस्पोरा है, 16 मिलियन कितना बड़ा अमाउंट है, ठीक है। और अगर हम इसी 16 मिलियन में से अगर हम देखें ना कि कितने लोग जो है वो रजिस्टर्ड है एनआरआई वोटर्स के तौर पर, वोटर्स के तौर पर, तो हम पाएंगे कि बहुत एक मिनिस्यूल सा अमाउंट है, ठीक है। मतलब 16 मिलियन, 160 लोग, 160 लोगों में से केवल 1 लाख लोग ऐसे हैं जो कि एनआरआई वोटर्स के लिए रजिस्टर्ड है, ठीक है। मतलब कितना मिनिस्कुल अमाउंट हो जाता है आप देखें, ठीक है। और उसमें से ज्यादा आपको 90% आपको केरला से मिलेंगे, ठीक है। केरला स्टेट 89,000 के आसपास जो आपको केरला में ही देखने को मिलते हैं, 89,000, ठीक है। और उसके बाद भी अगर हम अगर आगे ज्यादा इसको बाइफरकेट करें ना, तो आगे जाके भी मोस्टली सदर्न स्टेट्स हैं जिनका आपको देखने को मिलेगा कि हाँ भाई ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। और सेक्शन 201A पार्ट 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसमें बताया गया है कि अगर कोई इंसान अपने ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर नहीं रहता है, ठीक है, तो उसके बाद जो है ऑर्डिनरी रेजिडेंट का दर्जा जो उस पर हट जाता है, जिसके बाद उसके पास वोटिंग के राइट नहीं रहते हैं। और अब ये अब एक प्रोविजन ये भी था कि अगर किसी को वोटिंग करनी है ना, किसी एनआरआई वोटर को अगर वोटिंग करनी है जो लोग रजिस्टर्ड है, तो उनको आने के बाद इन पर्सन वोटिंग करनी पड़ती है। इन पर्सन मतलब वो आते खुद आते, मतलब किसी भी देश में वो रह रहे हैं वहां से आओ, इंडिया में आओ, आपको जहाँ पे आपको पोलिंग बूथ मिला है वहां पे आने के बाद, वहां पे फिजिकली आप प्रेजेंट हो, प्रेजेंट होने के बाद जो है नॉर्मली हम लोग जैसे जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं उन्हीं की तरह आपको वोटिंग करनी पड़ेगी। आपने आपको जाके वहाँ पे अपना आइडेंटिफिकेशन प्रूफ करना है, देन आपको वही आपको बटन प्रेस करना है, मतलब ईवीएम में आपको जैसे आपका मीडियम है उसको आपको करना है, उसके बाद वही प्रोसेस जो है सबको फॉलो करना होता था। तो एक ये दिक्कत थी जिसकी वजह से जो है मोस्टली लोग नहीं आते थे, क्यों, यही दिक्कत थी, ठीक है, क्योंकि सबके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लोग आए और मतलब वोटिंग के लिए करने के लिए आए। तो एक ये जो है ना ये काफी ज्यादा डिस्करेज करता था, वैसे आना तो चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक राइट है, एक ड्यूटी है ये, तो ये करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं आते थे, एक ये रीजन था, ठीक है। तो अब ये क्या है कि 2017 में गवर्नमेंट ने ऐसा प्रपोजल रखा कि जो है ये रेस्ट्रिक्शन जो हटा दी जाए, ठीक है। और इसके लिए ये आपका सेक्शन 20A जो है रिस्पॉन्सिबल था, उसमें ऐसी बाउंडेशन लगाई गई थी जिसको गवर्नमेंट ने निकालने की बात की गई, ये पास भी कर दिया गया बिल ये, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि फिर जब इलेक्शन हुए 2019 में, जब लोकसभा डिसॉल्व हुआ, तो उसके बाद जो है ये बिल आपका लैप्स हो गया, ठीक है। तो आपके बिल में ये भी था कि प्रॉक्सी
वोटिंग का जो ये है, ठीक है, ये भी करा जाए, ये आपका कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 में आपका ये डाला गया, ठीक है। मतलब आपका प्रॉक्सी वोटर्स आपको समझ में आया होगा ना, प्रॉक्सी वोटर्स ये होता है कि किसी भी आप पर्सन को डेजिग्नेट कर देते हैं कि ये मेरे बिहाफ पे जाकर वोट करेगा, ठीक है। तो ये प्रोविजन भी बिल में डाला गया था कि जो ओवरसीज वोटर्स है उनको भी राइट दिया जाए कि वो अपने प्रॉक्सी वोटर्स को अपॉइंट कर सके और आसानी से जो अपना राइट टू वोट का जो राइट वो उसको एक्सरसाइज कर सके, राइट टू फ्रेंचाइजी का, ठीक है। तो अब पीबीएस क्या है, ठीक है। तो ETPBS आपका ये कहा जा रहा है कि अब जो आपका ये है ना कि NRIs को हम लोग वोटिंग राइट्स देंगे, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिकली ये आपका पोस्टल बैलेट भेजा जाएगा, तो वही आपका ETPBS है, ठीक है। तो ये आपका 2016 में आपका कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल को अमेंड किया गया, उसके बाद इसमें सर्विस वोटर के लिए ETPBS वाला जो ये फैसिलिटीज को किया गया कि जो आपके सर्विस वोटर्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली ये पेपर भेजे जाएंगे, जिसके बाद उनको क्या करना है, उनको अपनी उसमें जो आपके पोस्टल बैलेट भेजे जाएंगे ना वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होंगे, तो वो आपके जो सर्विस वोटर हैं वो उसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद उसमें अपनी प्रेफरेंस को फिल करेंगे, ठीक है। और उसी में आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी देखने को मिलता था, डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको मोस्ट करना है कि आपको साइन करना है, और साइन भी आपको ऐसे नहीं करना कि सर साइन कर दिया, एक आपका सीनियर ऑफिसर जो होगा वो अपॉइंटेड रहेगा, आपको उनके सामने जो है उस डिक्लेरेशन फॉर्म को साइन करना है, ठीक है। अपनी प्रेफरेंस जो है वो आप ऑब्वियसली बात है उसको आप कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, वो आप किसी को नहीं बता सकते, ठीक है। तो फिर उसको आप कॉन्फिडेंशियल रखें अपनी प्रेफरेंस को, और अपना जो है अपना डिक्लेरेशन फॉर्म को आप साइन करें, साइन करने के बाद उसको एनवेलप में डालने के बाद आप रिटर्निंग ऑफिसर तक उसको भेजें। और ये मैंडेटरी है कि जो आपका रिजल्ट जिस दिन काउंट हो रहे हैं उस दिन सुबह 8 बजे तक आपका जो पोस्टल आपने जो अपनी प्रेफरेंस मार्क करके उस एनवेलप को आपने सेंड किया है वो उनके पास पहुंच जाना चाहिए सुबह 8 बजे तक, जब भी वो काउंट किया जाएगा, वरना बहुत ज्यादा जो है एक मुश्किल टास्क ही हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट भी अगर डिक्लेयर करने है ना तो इतना टाइम तो रहेगा नहीं। तो अब ये फैसिलिटी NRI के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, उनके लिए भी यही प्रोसेस है। अब ये मैंने आपको बताया था ना कि इंडियन मिशन जो आपके अब्रॉड में लोकेटेड है वहां पर इसको इलेक्ट्रॉनिक भेजा जाएगा, ठीक है। भेजे जाने के बाद वहां पे आपका जो वहां पे आपके डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वो उनको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद वो NRI वोटर को हैंड ओवर करेंगे, हैंड ओवर करने के बाद वो उसमें आपका डिक्लेरेशन फॉर्म उनको आपको मिलेगा देखने को, उसमें आपकी पोस्टल बैलेट होगा, उसमें आप अपनी प्रेफरेंस को जो है मार्क कीजिए और डिक्लेरेशन फॉर्म को आप साइन कीजिए, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, इस केस में जो आपका जो आपको सीनियर ऑफिसर की बात मैंने कही थी जिसके सामने डिक्लेरेशन फॉर्म को साइन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आपकी एम्बेसी में मतलब आपके इंडियन मिशन में जो आपके ऑफिसर ऑफिसर है ना ये वही अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है ये इनके लिए प्रोसेस रहने वाला है। तो अब बात करेंगे IITs एंड रिजर्वेशन के बारे में, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको पता है कितना रेप्यूटेड एक इंस्टीट्यूट है हमारे देश में, कितना रेप्यूटेड एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। मतलब बच्चे कितने कितने साल पढ़ाई करते हैं कि उनको IIT में एडमिशन मिल जाए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अगर लेकिन इस आर्टिकल में हम बच्चों के बारे में बात नहीं करेंगे, इस आर्टिकल में बात करेंगे टीचर्स के बारे में, बच्चों को पढ़ाने वालों के बारे में, ठीक है। तो 23 IITs हमारे देश में अभी फिलहाल हैं, IIT बॉम्बे जिसमें सबसे ऊपर माना जाता है, वो रैंकिंग्स में भी शो होता है। अगर हम रैंकिंग उठा के देखें तो एक ग्लोबल रैंकिंग्स अगर उठा के देखें तो उसमें जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो आपका बॉम्बे में है वो आपका टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट जो है इंडिया से आता है, 172 रैंक शायद इसकी है, 172, ठीक है। ये मैंने बाकी आपको बाहर का बताया, ये आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं लिखा ना ही ये पर्टिकुलरली IIT बॉम्बे से रिलेटेड है, ठीक है, टीचर से रिलेटेड है। तो इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि आपकी कमेटी बैठाई गई थी कुछ तो दिनों पहले, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कमेटी को अपॉइंट किया था, जिसमें वो कमेटी बैठाई क्यों गई थी कि जो रिजर्व आपकी कैटेगरीज है ना, ठीक है, रिजर्व कैटेगरीज आपकी जैसे EWS OBC SC ST, तो उनसे जो है ना फैकल्टी मेंबर्स इतने निकल के नहीं आ रहे, उनसे आपके टीचर्स इतने निकल के नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये एक इशू था जिसकी वजह से जो आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने एक कमेटी का गठन किया कि आप जो है हमें कुछ रिकमेंडेशन दीजिए, आप जो है इस टॉपिक पर अपने विचार बताइए, इसका इसके बारे में रिसर्च करके आप हमें बताइए, ठीक है। तो कमेटी बैठाई गई, तो कमेटी में उन्होंने दो रिकमेंडेशन दिए कि जो है आप जो है रिजर्वेशन को खत्म, आप जो है यहाँ पर इसको IITs को आप रिजर्वेशन से एग्जेम्पशन दे सकते हैं, कमेटी ने ऐसा बताया, ठीक है। तो क्या रीजन थे वो की बताया वो आगे देखते हैं, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट के लिए सबसे पहले कि कौन रिस्पॉन्सिबल है वो देखते हैं,
ठीक है, तो टीचर्स अपॉइंटमेंट और स्टूडेंट एडमिशन दोनों के लिए आपका कौन कौन है आपका जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल? वो आपका सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन एडमिशन एक्ट 2016, ठीक है, ये आपका ये हो गया। और आपका है सेकेंड वाला है आपका सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2019, ठीक है, ये आपके जो दो एक्ट हैं ये आपके रिस्पॉन्सिबल हैं रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, तो बेनिफिशरीज आपके पता है, आपको मैंने आपको बताया एससी एसटी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो अब आपकी कमेटी बैठाई गई, कमेटी ने उसमें आपके दो रिकमेंडेशन दिए, दो ऑप्शन दिए कि एक तो कि जो आपके आईआईटीज है उनको आप शेड्यूल में डाल दीजिए 2019 का, 2019 का जो लो है, ठीक है, ये वाला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन टीचर्स कैडर एक्ट 2019, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसमें आप क्या कीजिए, इसमें आप जो है आईआईटीज को शेड्यूल में डाल दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको जो है रिजर्वेशन से एग्जेम्पशन मिल जाएगी कि आप लोग बाध्य नहीं होंगे कि आप लोगों को रिजर्वेशन जो है टीचर्स के अपॉइंटमेंट में इम्प्लीमेंट करना ही करना है, ठीक है। एक ऑप्शन आपका ये हो गया। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया, सेकेंड ऑप्शन आपको ये दिया कि जो पोजीशन रिजर्वेशन के माध्यम से फुलफिल नहीं हो पाती है, ठीक है, हमें सुटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिल पाते हैं, तो क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर से हम उस पोस्ट के लिए डी रिजर्वेशन कर देंगे, मतलब उस पोस्ट पर कोई रिजर्वेशन नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो ये दो जो ऑप्शन है आपके इस कमिटी ने दिए, ठीक है, दो ऑप्शन है, पहला और दूसरा, एक बार फिर से देखते हैं जल्दी जल्दी। पहला ऑप्शन आपका दिया गया कि 2019 का जो लो है, जो एक्ट है, उसमें आप शेड्यूल में डाल दीजिए आईआईटीज को, जिससे कि उनको एग्जेम्पशन मिल जाए कि वो रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट ना करें टीचर की एलोकेशन के लिए, टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है। और सेकंड आपका ऑप्शन दिया गया कि जिस पोस्ट के लिए हम सुटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे, रिजर्व कैटेगरी से टीचर्स नहीं आ पाएंगे, कैंडिडेट्स नहीं आ पाएंगे, उस पोस्ट को डी रिजर्व कर दिया जाएगा, ठीक है, उनके लिए रिजर्वेशन अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, दो ऑप्शन आपके दिए, ठीक है। तो अब रिजर्व कैटेगरी से आखिर रिक्रूटमेंट क्यों नहीं आ रहे, कैंडिडेट क्यों नहीं आ रहे, प्रॉब्लम क्या है ऐसा, ठीक है। तो आपको पता है आईआईटी में आपको पता है कि काफी ज्यादा एक मतलब जिन लोगों को नॉलेज ज्यादा हो, अब ऐसा नहीं कि नॉलेज सिर्फ अनरिजर्व वालों को ही रहेगी, जनरल वालों को ही रहेगी, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी वालों को भी बहुत नॉलेज रहती है, मैंने खुद देखा अपने लाइफ में भी, पूरी जीवन में जितना अब तक जितना जीवन जिया है उनमें बताऊं तो मैंने भी देखे हैं बहुत सारे लोग, कि ये मतलब कैटेगरी पर डिपेंड नहीं करता कि आपके पास कितना ज्ञान रहेगा, कितना नॉलेज रहेगी, ठीक है, वो आपके बिल पर डिपेंड करता है कि आप कितना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ जनरल वालों के पास ही ज्ञान रहे, हर कैटेगरी वाले के पास, हर इररिस्पेक्टिव कास्ट सबके पास ज्ञान रह सकता है, ठीक है। तो कमेटी ने कहा कि आपको पता है आईआईटी कितने रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे हाई रिसर्च अकम्पलिशमेंट्स देखी जाती हैं, पीएचडी डिग्री तो होना वहाँ पे जरूरी है ही, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि आपको बताया गया कि जो आपके रिजर्व पोस्ट वाले होते हैं, ठीक है, उनमें मोस्टली जो है वो रिसर्च लाइन में जाते नहीं है, रिजर्व कैटेगरीज के मोस्टली वो आपके रिसर्च या इंजीनियरिंग लाइन में जाते नहीं है, और जो जाते हैं वो टीचिंग प्रोफेशन को चुनते नहीं है, ठीक है। ये आपकी दिक्कत एक बताई गई कि मोस्टली जो आपकी रिजर्व कैटेगरीज के जो लोग होते हैं, ध्यान से सुनो, जो आपकी रिजर्व कैटेगरीज के जो लोग होते हैं वो मोस्टली आपके रिसर्च, ठीक है, वो आपके जाते नहीं है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इनमें आपके जाते नहीं है, ठीक है, काफी मतलब एक एम्पल एक अमाउंट में जाते नहीं है, और जो जाते हैं ना, गिने चुने जो जाते हैं वो टीचिंग करियर को, टीचिंग प्रोफेशन को अडॉप्ट नहीं करते, वो उस लाइन में जाते हैं, मतलब टीचिंग लाइन में जाते नहीं, ठीक है। तो फिर से जल्दी जल्दी बताता हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ना हो, ठीक है, कि रिजर्व कैटेगरीज के लोग या तो इसमें आपके रिसर्च या इंजीनियरिंग वाली लाइन में जाते नहीं है, मतलब उनको वो लोग उस लाइन में नहीं जाते, ठीक है, और जो लोग जाते हैं इस लाइन में रिजर्व कैटेगरी से, वो टीचिंग प्रोफेशन नहीं चुनते, ठीक है, वो अपना किसी शायद किसी कंपनी वंपनी में जॉब कर लेते होंगे, कुछ और कर लेते होंगे, लेकिन टीचिंग प्रोफेशन को वो लोग नहीं चुनते, जिसकी वजह से जो है टीचर्स जो है इस लाइन में से निकल के नहीं आ रहे हैं आईआईटीज के लिए, ठीक है, ये दिक्कत एक बताई गई। और अगर हम रेशो की बात करें ना, तो रेशो आपको पता है कि रेशो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे हम किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करें, चाहे हम किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात कर लें। अगर हम हॉस्पिटल की बात करें, तो हॉस्पिटल में आपका हमेशा देखा जाता है कि डॉक्टर टू पेशेंट रेशो कितना है, देखते हैं ना ऐसा कि एक डॉक्टर के लिए कितने पेशेंट हैं, ठीक है, ठीक है, और जितने जितना मान लीजिए रेशो कम होगा ना, उतना ही जो है आपका अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो अब आपका एक दशक पहले जो आपका जो रेशो था ना, वो था आपका 6:1, मतलब एक टीचर जो है 6 बच्चों के लिए था, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अगर आ नहीं रहे
फैकल्टी निकल के नहीं आ रही, तो अब ये आपका रेशो बढ़ गया, अब आपके डबल हो गया, मतलब टीचर आपका एक ही रहा और जो आपके बच्चे हो गए वो आपके बढ़ गए 12 हो गए, तो प्रॉब्लम तो है ना। अब इंट्रैक्शन कम हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम तो रहेगा, अब हर जगह तो आदत बराबर बरस नहीं सकता, तो दिक्कत तो है। ठीक है, तो अब ऑप्टिमल रेशो को सेट करने के लिए कमिटी ने बताया 10:1, मतलब एक टीचर के पास कम से कम मैक्सिमम जो है 10 स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगर वो बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रेसिंग सा टास्क हो जाएगा। ठीक है, तो रेमेडी क्या दिया कमेटी ने, कमेटी अब रेमेडी तो देगी, उसने अगर रिसर्च किया तो वो जरूर बताएगी। तो उन्होंने यही बताया जो मैंने आपको बताया, दो ऑप्शन रिकमेंडेशन के लिए, तो कि वही पहला आप इसको जो है शेड्यूल में डाल दीजिए IIT को, कि जिससे कि जो है उनको एग्जेम्पशन मिल जाए कि टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए वो लोग जो है रिजर्वेशन को अप्लाई ना करें। और सेकंड आपका दिया कि जो भी आपका मतलब जिस पोस्ट पे हमें रिजर्वेशन से हमें फैकल्टी निकल के नहीं आएगी, उस पोस्ट को डी रिजर्व कर दिया जाए। उसमें आपका ये भी बताया गया, ठीक है, उसमें आपको ये भी बताया गया कि जो आपका जो पोस्ट है, जैसे आपकी एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर पोस्ट जो आपके हैं उनमें से रिजर्वेशन को हटा दिया जाए कम्प्लीटली, आपका एक ये भी बताया गया। ठीक है, और ये बताया गया कि जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 और ग्रेड 2, ठीक है, उनमें रिजर्वेशन दिया जाए, EWS वालों को भी दिया जाए। ठीक है, लेकिन उसमें वैक्सीन को जरूर, जो आपकी वैकेंसीज हैं उनको जरूर ध्यान में रखा जाए। वैकेंसी को वैक्सीन बोलते हैं, सॉरी गलती से बोल दिया, क्योंकि वैक्सीन वैक्सीन कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ना आजकल कोरोना की वजह से, इस वजह से गलती से बोल दिया वैकेंसी को वैक्सीन, सॉरी। ठीक है, और एक जो मतलब ताकि रिजर्व कैटेगरी से भी अब फैकल्टी निकल के आए, तो उसके लिए एक उन्होंने रिकमेंडेशन ये दी है कि एक 2 ईयर का रिसर्च असिस्टेंटशिप एक स्कीम निकाली जाए, लॉन्च की जाए, जो कि सेंटर के द्वारा फुली फंडेड हो। ठीक है, जिसमें कैंडिडेट्स को PhD की स्टडी करने का मौका दिया जाए, जिसकी और जो कि IIT के स्टैंडर्ड से मैच करे, जिसके बाद जो है एक टैलेंट पूल जो है उन पर बनकर तैयार हो जाए रिजर्व सेक्शंस के लिए, और जो है फिर बराबर रिजर्व कैटेगरी से भी जो है टीचर निकल के आए, एक कैटेगरी से ही निकल के ना आए, हर कैटेगरी से है वो रिजर्व हो। ठीक है, वैसे अनरिजर्व तो निकल के आ ही रहे हैं, वो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जनरल वाले तो आ ही रहे हैं, तो लेकिन रिजर्व कैटेगरी से भी जो है फैकल्टी निकल के आए, इसके इसके लिए जो है एक रिकमेंडेशन ये दी गई है कि एक 2 ईयर रिसर्च असिस्टेंटशिप का ये प्रोग्राम लॉन्च किया जाए। ठीक है, तो आपको बात करेंगे लॉन्ग रशियन आर्म्स इन द स्काई, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, S-400। ठीक है, S-400 नाम सुना होगा कुछ दिनों पहले, ठीक है, मतलब बहुत सालों से सुन रहे होगे, तो हमसे हम 2 साल तो हो गए होंगे इस बारे में सुनते सुनते S-400 के बारे में। काफी ज्यादा पोटेंट एक वेपन है ये, ठीक है, रशिया ने इसको बनाया है। ठीक है, और कुछ और इसके बारे में हमारे प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो अवेलेबल है S-400 के बारे में, जो अमेरिका ने टर्की पे सैंक्शन लगाए थे। ठीक है, तो वो क्यों लगाए थे और इंडिया का क्या इंडिया पे क्या इसका असेक्ट हमें देखने को मिल सकता है, उसके बारे में हमने इसमें बात की थी। ठीक है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस टॉपिक पर बढ़ जाए। ठीक है, तो आपका प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कैपेबिलिटीज के बारे में आ सकता है आपका, कुछ कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आ सकती है। ठीक है, S-400, ठीक है, तो S-400 जो है ना आपका काफी ज्यादा फेमस नाम ये हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका क्वेश्चन में आ जाए कि SA-21 ग्रोलर, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे आ जाए, क्योंकि आपको पता है ऐसे आता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका नाम जो है नाटो है ना आपका, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका अमेरिका जिसका लीडर है, वो लोग बोलते हैं S-400 को SA-21 ग्रोलर। ठीक है, ये उनका नाम है, तो ये याद रखें जरूर। ठीक है, तो मतलब बहुत ज्यादा एडवांस वेपन है ये, बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ऐसी कि मल्टी फंक्शनल है। ठीक है, तो मतलब भाई अगर हम एयर डिफेंस की बात करें ना, तो इतना ज्यादा लेयर्ड एक डिफेंस सिस्टम में बना देता है ना, कि बहुत मुश्किल हो जाता है एरियल चीजों का इससे बच पाना, चाहे वो आपके UAV हो, ठीक है, चाहे आपके बॉम्बर्स हो, चाहे आपका कोई भी हो, मिड एयर रिफ्यूलर्स हो, चाहे कुछ भी हो भाई। ठीक है, रिकॉनेसिस एयरक्राफ्ट को पता है कि जो हमारा P-81 मैरीटाइम एयरक्राफ्ट जो हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है, ठीक है, तो फिर वो भी इससे नहीं बच सकता, इतना पावरफुल वेपन है। ठीक है, और एक यही वेपन है जो इसकी वजह से जो है हमें वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच में डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ 1993 में, ठीक है, टेस्टिंग हुई आपकी 1999 में, 6 सालों में टेस्टिंग होनी स्टार्ट हो गई, और डिजाइन किसने किया, अल्मेज एंटे, ये जरूर याद रखें। अगर आप कार्ट्स एक्ट के बारे में देखेंगे ना, कार्ट्स आपको पता है कि अमेरिका का एक्ट है, अगर उसमें हम देखेंगे ना कि किन एंटिटीज को बैन कर रखा है, मोस्टली रशिया की किन एंटिटीज को बैन कर रखा है, कि इनके साथ आप सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, ठीक
तो उसमें आपका नाम मिल जाएगा, आपको एलमास एंटेक का नाम जरूर मिलेगा, ठीक है, जरूर मिलेगा। ध्यान से अगर आप थोरो रीडिंग करेंगे ना उसके, तो आपको जरूर इसका नाम मिल जाएगा, ठीक है। तो S400 का प्रिडिसर क्या था आपका? S300, ठीक है। उसके बाद आपका S400 आया, ठीक है, 2007 में जो है इसको डिप्लॉय किया गया, 2015 में इसको सीरिया में लगाया गया। आपको पता है सीरिया में रशियन ट्रूप्स की प्रेजेंस थी, ठीक है, तो वहाँ पे अपने असेट्स को बचाने के लिए वहाँ पे इसको लगाया गया। और क्रीमिया में आपको लगाया गया, क्रीमिया आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था क्योंकि रशिया ने उसको एनेक्स कर लिया था, जिसके बाद रशिया का क्रिटिसिज्म काफ़ी बड़े लेवल पे किया गया था, और जिसकी वजह से जो है G8 ग्रुप है ना, G8 था मतलब, ठीक है, वो घट के आपका G7 का हो गया था, ठीक है, यही रीज़न था, वरना पहले वो G8 था ग्रुप ऑफ 8, अब वो घट के G7 का हो गया था इसी वजह से, क्योंकि रशिया को फिर से निकाल दिया गया था, क्योंकि उसने क्रीमिया को जो है यूक्रेन से अलग कर दिया था, ठीक है। मोबाइल, एक मोबाइल है, ये मोबाइल कहते हैं कि आपका S400 है, ठीक है, ये ट्रक आपको एक ट्रक लोडेड, एक ट्रक से लोड रहता है ये, ठीक है, ट्रक के ऊपर लगा रहता है, तो उसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं, कहीं पे भी उसको ले जाकर डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो रेंज इसकी 400 किलोमीटर की है, ठीक है। और आपको मैंने आपको बताया ना, लेयर डिफेंस रहता है, लेयर डिफेंस, अब इसमें क्या रहेगा कि आपकी जो मिसाइल्स होंगी ना वो अलग अलग लेवल की होंगी, या फिर 40 किलोमीटर की होगी, एक 120 किलोमीटर की होगी, फिर 250 की होगी, और फिर 400 की होगी मैक्सिमम आपकी रेंज, ठीक है। और एल्टीट्यूड आपका 30 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक का आपके एल्टीट्यूड वाली रेंज होगी, ठीक है। तो मतलब इतना लेयर रहा कि भाई पहले 40 के लग गए, फिर 120 के लग गए, फिर 250 की लग गई, तो एक लेयर रहा ना, ठीक है। चाहे किसी भी लेयर पे उड़ा लो भाई, किसी भी हाइट पे उड़ा लो, कितनी ही दूर उड़ा लो, बचना तो है ही नहीं, ठीक, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेपन है, ठीक है। और इतनी अच्छी रेंज है कि अगर हम इसको अपने वेस्टर्न बॉर्डर में अगर डिप्लॉय कर देंगे ना, तो पाकिस्तान का तो लगा लीजिए काम खत्म है। पाकिस्तान के तो अगर एयरक्राफ्ट जब अपने बेस से उड़ान भरेंगे ना, तो अभी हमें पता लग जाएगा, तो अभी ये जो है इसको डिटेक्ट कर लेगा, तो इंडिया के लिए तो यार बहुत इंपॉर्टेंट ये वेपन हो जाता है फिर तो, ठीक है। क्योंकि टू फ्रंट वॉर की पॉसिबिलिटी को हम कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते, कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते, ये हमेशा पॉसिबिलिटी बनी ही बनी रहेगी, ठीक है। तो इसको इंडिया को जरूर एक्वायर करना चाहिए, कुछ बेचक अगर नेगोशिएशन हमें जो है अमेरिका के साथ करने पड़े, ठीक है, तो उसके लिए भी जरूर इंडिया को रेडी रहना चाहिए, ताकि ये वेपन जो है हमें मिल जाए, ठीक है। और आपके जो एयर चीफ मार्शल थे, आपके जो फॉर्मर, आपके जो एयर एयर चीफ थे, ठीक है, उन्होंने BS धनोआ जी ने ये कहा था कि अगर रफाल का और अगर हम S400 का कॉम्बिनेशन अगर हम करें, तो ये IAF के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, ठीक है। रफाल विमान हमारे देश में ऑलरेडी कुछ आ चुके हैं, कुछ अभी आने बाकी हैं, ठीक है। S400 अभी हमारे देश में आने स्टार्ट हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, ठीक है, जिसके बाद IAF एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले कर सकती है इंडिया के डिफेंस में, ठीक है। और सिर्फ रशिया से ही नहीं, अमेरिका से भी इंडिया की एंगेजमेंट बढ़ रही है, बाहर से बता रहा हूँ, ठीक है। अपाचे हेलीकॉप्टर की बात कर लीजिए, और P-81 मैरीटाइम एयरक्राफ्ट की मैंने आपको बात बताई, ठीक है, चिनूक हेलीकॉप्टर, और अभी कुछ दिन पहले आपको पता है कि दो वो लिए थे आपके, वो लिया था कि UAV लिए थे ना कुछ दिनों पहले, दो लीज पे, ठीक है, तो वो भी ले लीजिए। तो मतलब इंडिया अमेरिका के साथ जो है इंडिया की एंगेजमेंट बढ़ रही है, तो अमेरिका कहीं यही सोचेगा कि रशिया की तरफ इसका झुकाव ज्यादा है, तो इस पर कहीं कास्ट एक्ट जो है इस पर इम्पोज कर दें, ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। और अमेरिका ने आपको पता है कि अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है इसको वेवर दिया गया है इंडिया को, ठीक है, लेकिन आपके ट्रंप तो अब जाने वाले हैं, अब आपके आने वाले हैं जो बाइडन, ठीक है, तो जो बाइडन का देखना बाकी है कि जो बाइडन क्या करेंगे, ठीक है। और हम चाहेंगे तो यही कि जो बाइडन कुछ ना करें, ठीक है, ना लगाएं कुछ हमारे ऊपर, हमें पेपर मिल जाए, ठीक है। और लेकिन एक चीज़ याद रखना, काट्स एक्ट का, काट्स एक्ट का याद रखना, सेक्शन 231, सेक्शन 231 ये याद रखना, क्योंकि इसी में जो आपका मोस्टली सब कुछ बताया गया है कि भाई कैसे कैसे जो है इस पे सेक्शन इम्पोज, सेंक्शन इम्पोज किए जाएंगे और क्यों किए जाएंगे। सिग्निफिकेंट एक ट्रांजेक्शन एक में क्लोज डाला गया है, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट क्या होगा ये तो अमेरिका को ही पता है, वो लोग खुद डिसाइड कर लेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो सेक्शन 231 याद रखना बस, ठीक है। और कुछ अगर आपसे कुछ अदर आर्टिकल्स की बात करें जो इम्पोर्टेंट, मतलब वैसे तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है, पर उसके बारे में बात करें तो अच्छा लगेगा। इमरान डिनाइज इंटरफेरेंस बाय पाकिस्तान आर्मी, ठीक है, तो आपको पता है पाकिस्तान एक फेल स्टेट है, हमेशा से था और रहेगा, ठीक है। तो इमरान खान वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा है कि आर्मी का इंटरफेरेंस जो है हमारी गवर्नमेंट में नहीं है, जो कि एक सफ़ेद झूठ है बिल्कुल ही, ठीक है। सबको पता है कि पिछले 70 सालों से पाकिस्तान की आर्मी अमेरिका पाकिस्तान की सरकार को कैसे ना कैसे तरीके से कंट्रोल करती रहती है, ठीक है, तो
आपका पता है पाकिस्तान में आपका एक मूवमेंट चल रहा है, पीडीएम, पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट, एक वहां पे चल रहा है ना आपका पीडीएम, ठीक है। 11 पार्टीज वहां पे आपकी मिली हुई है, अलायंस बना रखा है उन लोगों ने, ठीक है। तो उसको लेके जो है प्रेशर में आ चुके हैं बहुत ज्यादा इमरान खान। तो उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तानी आर्मी का इंटरफेरेंस कोई नहीं है, मैं एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूँ इस देश का, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें उन्होंने करी। फिर आपका यूएस ब्लैकलिस्ट डजन ऑफ चाइनीज कंपनीज, ठीक है। तो मतलब अब क्या किया है, जो आपका यूएस का कॉमर्स डिपार्टमेंट है उन्होंने चाइना की कुछ कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, ठीक है। काफी बड़ी बड़ी कंपनीज आपकी हैं इसमें, आपकी एक चिप कंपनी भी है, लोगों नाम नहीं याद आ रहा, चिप कंपनीज पे आपकी चिप कंपनी को भी इसमें बैन किया गया है, ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, ठीक है। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ने तो कसम खा ली है कि जाते जाते भी कुछ ना कुछ करके जाऊंगा चाइना का, तो ठीक है। और एक आपका फिर आपका है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेज पे आपको मिलेगा, व्हाई एलिफेंट्स एंड टाइगर्स डिड नॉट गो एक्सटिंक्ट इन इंडिया, कि एलिफेंट और टाइगर्स जो है वो इंडिया में एक्सटिंक्ट क्यों नहीं हुए थे, ठीक है। क्योंकि अगर हम अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो वहाँ पे जो है हमें एक्सटिंक्शन देखने को मिला था, लेकिन इंडिया में नहीं देखने को मिला। तो वही इसमें बताया गया कि इंडिया में क्यों नहीं हमें देखने को मिला। तो एंथ्रोपोलॉजी वालों के लिए, जिनका शायद वो है ऑप्शनल, उनके लिए ही हो सकता है, ठीक है। तो इतना इसमें बस ये बताया गया कि इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में एक रीजन नहीं रहेगा, कि चाहे वो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे फिर ह्यूमन का आना हो, या फिर क्लाइमेट चेंज हो, एक टॉपिक पे हम बल नहीं दे सकते, ठीक है। क्योंकि अगर हम ऑस्ट्रिच की बात करें तो ऑस्ट्रिच आपको पता है कि इंडिया में था, बाद में वो एक्सटिंक्ट हुआ, ठीक है। तो अब वो कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ हिप्पो भी था इंडिया में, लेकिन वो भी एक्सटिंक्ट हुआ। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ह्यूमन के आने से ही हुआ या क्लाइमेट चेंज से हुआ, क्योंकि दोनों का एनवायरमेंट अलग है। हिप्पो आपके पानी में रहते हैं मोस्टली, मतलब वेट एरियाज में, और ऑस्ट्रिच आपके ड्राई एरिया में रहते हैं। तो क्लाइमेट चेंज एक टाइम पर तो वहाँ के लिए अलग, वहाँ के लिए तो हो नहीं सकता ना कि ड्राई वाला पानी वेट हो जाए और वेट वाला ड्राई हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक चीज पे बल नहीं दे सकते, कहीं ना कहीं इस पे जो है और स्टडी करनी बाकी है, ठीक है। और देन आपका द इस्लामिक स्टेट इन अफ्रीका, बोको हरम। बोको हरम आपको पता है कुछ दिनों पहले न्यूज में था, बोको हरम क्यों था, क्योंकि आपके एक स्कूल में, नाइजीरिया में एक स्कूल में वो किया गया अटैक, जहाँ पे कुछ लड़कों को शायद 200 के आसपास लड़कों को किडनैप कर लिया गया था बोको हरम के द्वारा। ये आपका पता है एक टेररिस्ट आउटफिट है आपका बोको हरम, नाइजीरिया में काफी ज्यादा ये एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो बोको हरम की प्रेजेंस अब बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं इसकी एक्टिविटीज हमें देखने को मिल रही है बड़े बड़ा चढ़ा के, ठीक है। तो बोको हरम के बारे में भी था, वो आप पढ़ सकते हैं, इंटरेस्टिंग था आर्टिकल, इंटरेस्टिंग था, ठीक है। तो अब थैंक यू सो मच। तो ये आपका द हिंदू आज 20 दिसंबर का था, ठीक है। इसकी एनालिसिस हमने कर ली, मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको एक एक बार समझा सकूँ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स अगर बीच में लगा हो ना तो मैंने दो दो बार इसी वजह से बताया, क्योंकि मुझे खुद को लगता है कि भाई कॉम्प्लेक्स हो गया तो शायद, ठीक है। तो वो इसी वजह से बताया, मैं ध्यान रखूंगा कि वो आगे से ना हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपसे मिलते हैं कल। सब्सक्राइब अचीव आईएस एंड ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम।